दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख इनेबलिंग अ लॉ राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड तथा द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख डिसेबल्ड पीपल हैव राइट टू गेट हायर एजुकेशन सुप्रीम कोर्ट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार। लंबे समय से चर्चा में रहने वाला दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार चर्चा में रहने का कारण यह है कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने अपने निर्देशों में कहा है कि सभी सरकारी भवनों को जून 2019 तक दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। इसी क्रम में शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों की राजधानियों में स्थित सभी सरकारी भवनों में से आधे से अधिक भवन दिसंबर 2018 तक दिव्यांगजनों के सुलभता नियम के अनुकूल होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और जहां यह कहा कि रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के अनुरूप सुविधाओं को लागू करने के संबंध में 15 दिसंबर से 3 महीने के अंदर रेलवे को रिपोर्ट पेश करनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा कि मार्च 2018 तक 10% सार्वजनिक परिवहन के साधनों को दिव्यांगजनों की पहुंच के अनुकूल बनाना चाहिए। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि 3 महीने में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। इससे पहले कि हम इस चर्चा में आगे बढ़ें, यह समझना जरूरी है कि दिव्यांगजन किसे कहते हैं और इनकी समस्याएं क्या हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो दिव्यांगता शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर भौतिक एवं मानसिक रूप से पूरी तरह या आंशिक रूप से अविकसित रहता है अथवा किसी दुर्घटना की वजह से पूरी तरह या आंशिक रूप से विकृत हो जाता है। ऐसी अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को विकलांगजन या दिव्यांगजन कहा जाता है। दिव्यांगजन समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के अनुसार दिव्यांगजनों को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो कि कोई भी व्यक्ति किसी विकलांगता से न्यूनतम 40% तक पीड़ित है। यह विकलांगता दृष्टिबाधित, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग उपचारित, श्रवण बाधित, चलन विकलांगता तथा मानसिक रोग इत्यादि के रूप में हो सकती है। दरअसल दिव्यांग व्यक्तियों की दशा समाज में अति दयनीय है। जहां एक ओर वे प्राकृतिक प्रकोप की पीड़ा झेलते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें समाज में तिरस्कार और उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। समाज में दिव्यांगजनों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इन सब का मुख्य कारण समाज में लगातार नकारात्मक विचारों का जन्म लेना है जो दिव्यांग व्यक्तियों को उनके सामाजिक अधिकारों से दूर रखता है। इन्हीं नकारात्मक विचारों के कारण दिव्यांगजन समाज की मुख्य धारा से अलग थलग पड़ते जाते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी शारीरिक बाधाएं और सामाजिक अवरोध सामुदायिक एवं राष्ट्रीय जीवन में भाग लेने से रोकती हैं। समाज में दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों की स्थिति समानता के मामले में बहुत ही खराब है। इस प्रकार के नकारात्मक विचार को बदलने की जरूरत है। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या लगभग 2.68 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.21% है। दिव्यांगजनों की समाज में संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने वाले कानूनों की उपस्थिति के बावजूद सरकार ने इस ओर कम ही ध्यान दिया है। अब बात करते हैं दिव्यांगजनों के लिए संवैधानिक एवं सांविधिक प्रावधानों के बारे में। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित करता है। हालांकि संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकार सभी नागरिकों तथा कुछ मामलों में गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं। इन सब में दिव्यांगजन भी शामिल किए गए हैं। इसी क्रम में संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति के निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है, जिन्हें देश के शासन के संचालन में मौलिक घोषित किया गया है। इन सिद्धांतों से आशा की जाती है कि ये नीति का अनिवार्य आधार होंगे। वास्तव में ये तत्व भविष्य के विधि निर्माण में मार्गदर्शन स्वरूप हैं, जैसे कि अनुच्छेद 39, 41 तथा 42 इत्यादि। इसी तरह संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243G से संबद्ध अनुसूची 11 में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों से संबंधित नीतियों का
कार्यान्वयन करना, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी शामिल है। इसी तरह संविधान के भाग 9A के अनुच्छेद 243W से संबद्ध अनुसूची 12 में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जिससे समाज के दुर्बल वर्गों, विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के हितों का संरक्षण हो सके। फिलहाल इसी क्रम में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 लाया गया। इसमें शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना, भारत से बाहर के संस्थानों की अर्हताओं के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना, परीक्षाओं में निरीक्षण करना तथा पंजीकृत व्यक्तियों के विशेषाधिकारों और व्यावसायिक आचार को निर्धारित करना इत्यादि शामिल है। इसके बाद दिव्यांगजन समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 लाया गया। गौरतलब है कि 1995 के अधिनियम को दिव्यांगजनों के लिए बीजिंग में आयोजित एशिया एवं प्रशांत सम्मेलन 1992 के उद्घोषणा के बाद लाया गया। भारत उस उद्घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता देश है। संविधान के 7वीं अनुसूची के संघ सूची में मत संख्या 13 में उल्लेख किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए गए निर्णयों का कार्यान्वयन करने के साथ ही इसे अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है, जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है। इसी क्रम में दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करने की बात का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची के मत संख्या 9 में किया गया है। दिव्यांगजन अधिनियम 1995 से दिव्यांगजनों को शिक्षा, पुनर्वास, नियोजन और गैर भेदभावपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सम्मिलित है। इस अधिनियम में दिव्यांगता को दृष्टिहीनता, न्यून दृष्टि, श्रवण बाधिता, चलन संबंधी दिव्यांगता, मानसिक मंदता और कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके व्यक्तियों में उत्पन्न विकलांगता के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में बताया गया है कि किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोई व्यक्ति न्यूनतम 40% विकलांगता से ग्रस्त है तो वह दिव्यांग माना जाएगा। फिलहाल दिव्यांगजन समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के उपबंधों में सामंजस्य और बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्य के साथ सरकार ने इस अधिनियम के स्थान पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को अधिसूचित किया है। आइए अब बात करते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रमुख प्रावधानों की। इस अधिनियम में एक ओर जहां दिव्यांगता की परिभाषा में बदलाव लाते हुए इसे और व्यापक बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें दिव्यांगता को विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में दिव्यांगता के मौजूद प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को इन प्रकारों में वृद्धि करने की शक्ति भी दी गई है। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को अब तक 3% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, इस अधिनियम में इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। इसी प्रकार इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता यानी न्यूनतम 40% विकलांगता के शिकार लोगों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ देने का भी प्रावधान है। ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं और अन्य प्रकार की योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल इस अधिनियम के माध्यम से दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में बनाए गए अन्य फंड्स का इस नए फंड में विलय कर दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन के विशेष मामलों के निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय को नामित किया जाएगा। अब बात करते हैं दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की। दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक बदलाव के साथ सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा देश भर में सुगम्य भारत अभियान संचालित किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इसका मकसद दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार तंत्र को विकसित करना है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 से सुगम्य पुस्तकालय के रूप में एक ऑनलाइन मंच की शुरुआत की गई है।
यहाँ पर दिव्यांग व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा पुस्तकालय से संबद्ध सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। सुगम्य पुस्तकालय में नेत्रहीन व्यक्ति अपनी पसंद के उपकरण जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर इत्यादि का उपयोग कर ब्रेल डिस्प्ले की मदद से पढ़ सकते हैं। इसी तरह भारत सरकार द्वारा वेब आधारित विशिष्ट दिव्यांग पहचान कार्ड शुरू किया गया है। इसके तहत विकलांगता के प्रकार सहित विभिन्न विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी तथा अलग अलग कार्यों के लिए कई प्रमाण पत्र साथ रखने की समस्या दूर होगी। इसी क्रम में भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है। आइए बताते हैं आपको कि सरकारी नीतियों के बावजूद भी दिव्यांगजनों की राह में कहां कठिनाइयां हैं। सरकार की नीतियों का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाना इसकी सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समय समय पर भर्ती अभियान चलाए जाने के बावजूद सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पूर्व में आरक्षित 3% सीटों में से केवल 1% सीटों पर भर्तियां हो पाई हैं। गौरतलब है कि अब यह आरक्षित सीटें बढ़कर 4% कर दी गई हैं। दिव्यांगजनों में मानसिक रूप से अक्षम लोग, दिव्यांग महिलाएं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजन सबसे अधिक उपेक्षित हैं। सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने के लिए कई कदम उठाने के बावजूद आधे से अधिक दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुगम्यता का अभाव दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक बड़ी समस्या है। सरकार द्वारा नीतियों का निर्धारण करते समय दिव्यांगजन उपेक्षित रह जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड बनवाते समय वे दिव्यांगजन उपेक्षित रह गए जिनके हाथ की उंगलियां नहीं थीं। अब बात करते हैं कि दिव्यांगजनों की समस्या का समाधान कैसे हो। इस नवीन अधिनियम में दिव्यांग महिलाएं, मानसिक रूप से मंद व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों की अन्य चिंताओं के साथ साथ रोजगार की चिंताओं को भी संज्ञान में लिया गया है। फिर भी इसमें सुधार तभी संभव है जब इन प्रावधानों का समुचित अनुपालन हो। दिव्यांगजनों की सहायता एवं सहायक उपकरणों के संबंधों में अनुसंधान और विकास को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिससे विभिन्न सुविधाओं तक उनकी पहुंच को आसान बनाया जा सके। संविधान में प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन समुचित ढंग से किया जाए ताकि दिव्यांगजनों को उसका लाभ मिल सके, जिससे वे सब समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। सरकार को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का पता लगाने एवं पंजीकरण करने के लिए और अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। संबंधित मेडिकल कार्मिक की उपस्थिति में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर शिविरों का आयोजन करके दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने से काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही सभी दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारकों के संबंध में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एकीकरण के साथ एक डेटाबेस कायम करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। बहरहाल इन्हीं कठिन हालातों के बीच समाज का यह वर्ग उपेक्षित है, जिसे समाज में अपमान और घृणा की निगाह से देखा जाता है। इसे केवल सरकार की नीतियों से समाप्त नहीं किया जा सकता, इस उपेक्षित वर्ग की बेहतरी के लिए समाज की सकारात्मक भूमिका भी जरूरी है। साथ ही इसमें समाज के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों को भी आगे आने की जरूरत है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, दिव्यांगजनों को समाज में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं के महत्व पर प्रकाश डालिए।